क्यू कार्ड टॉक अबाउट अ टाइम वेन यू गेव एडवाइस टू समन हमें वो समय बताना है जब हमने किसी को कोई एडवाइस दी हो और वो उसके लिए एक फ्रूटफुल एडवाइस रही हो ओके लेट्स मूव टूवर्ड द जर्नल आई वेल गिविंग एडवाइस इज़ अ क्वाइट कॉमन इन इंडिया आई ऑल्सो गेव फ्री एडवाइस टू माई नियर एंड डियर वन कहते इंडिया में ये आम सी बात है आपने भी देखा होगा इंडिया में हर कोई एडवाइस देने में रहता है कोई बात हो तो हर कोई अपने व्यू समझाने में रहता है आई ऑल्सो गेव फ्री एडवाइस टू माई नियर एंड डियर वंस नियर एंड डियर वंस ये है एक फ्रेज जो हम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ करते हैं कहते हैं और मैं भी अक्सर क्या करती हूँ एडवाइस देने में इंटरेस्टेड रहती हूँ ओके बाई गिविंग एडवाइस वी शो आर लव एंड केयर टूवर्ड्स अदर कहते हैं एडवाइस जब हम किसी को देते हैं तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं हमारा प्यार उसके प्रति या हमारी केयर तभी हम उसको सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप ये चीज़ करो या इस चीज़ को चूज़ करो या ना करो क्लियर अब हम बताएंगे अबाउट द कंटेंट मेन अब मैंने बताना है कि वो टाइम जब मैंने एक किसी को एडवाइस दी रहा हूँ टू मंथ्स अगो ही वॉज इन डालिमा अब कह रहे हैं कि दो महीने पहले की बात है ही वॉज़ इन डालिमा डालिमा का मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन अब ही यहाँ पे आप शी भी बोल सकते हो ही भी बोल सकते हो मीन्स योर फ्रेंड वन ऑफ योर फ्रेंड कैर ही वॉज इन डालिमा टू कॉन्टीन्यू हीज जॉब और टू स्टार्ट हिज बिजनेस कहते मेरा जो फ्रेंड था वो एक डालिमा में था डालिमा मीन्स कंफ्यूज था कि वो क्या करे वो जॉब को कंटिन्यू करें परस्यू करें या अपना बिजनेस स्टार्ट करें ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड जैसे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वन एवर ही फील्स लो जील्स लो मीन्स सैड जब भी उसको थोड़ा सा डिप्रेशन टाइम स्ट्रेस हो जाता है ही कॉल मी टू टेक एन ओपिनियन वो मुझे क्या करता है कॉल करता है जस्ट टू टेक द ओपिनियन मेरे आइडियाज़ या मेरे व्यू पॉइंट को देखने के लिए आई विवरली रिमेंबर आई वेवरली रिमेंबर इज़ अगेन ये एक वर्ड अच्छी वो कैब है इसका मतलब यह है कि जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज़ अ फ्राइडे नाइट जब उसने मुझे कॉल की थी फॉर एडवाइस इट वॉज अ फ्राइडे नाइट ही कॉल्ड मी उन्होंने मुझे कॉल की साउंड वेरी लो और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है ऑन डैट टाइम आई आज द प्रॉब्लम मैंने उस टाइम उससे पूछा कि क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है ही टोल्ड डैट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब उसने ये कहा कि वो अपनी जॉब के साथ व नहीं है क्यों वो नहीं था बिकॉज ऑफ द लो सैलरी पैकेज उसकी जो सैलरी थी बहुत ज्यादा कम थी डिड नॉट गेट एनी पर्क्स पर्क्स का मतलब क्या होता है कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा था कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था और भी कई तरह तो के बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे थे सो ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस वो क्या चाहता था अपना खुद का बिजनेस रन करना कन्फ्यूज वो उस कंडीशन में था लिटिल बिट पजल था हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप और वो कैसे उसको स्टार्ट करे उसको ये था कि हाँ ये चीज़ जो वो सोच रहा है कि वो उसके लिए फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं इन फ्यूचर ही एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ब्रीफली उसने मुझे पूरी तरह बताया कि भाई क्या सिचुएशन है और उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन जॉब एज वेल एज़ अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आई अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू ये एक मैंने अच्छी वो कैब लिखी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ जर्नल कनेक्टर की तरह कि मैंने उसके व्यू पॉइंट को समझा एंड गिव एडवाइस टू हिम मैंने एडवाइस दी इफ़ लीव योर जॉब इमीजिएटली डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम कहते इट्स नॉट अ राइट आइडिया कि हम अपनी जॉब जो है वो इमिजिएटली छोड़ दें जब तक हमें क्या है कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता सो आई सजेस्ट टू स्टार्ट अ साइड बिजनेस कि रैदर दैन कि अगर आप जॉब छोड़ के एकदम से अपना बिज़नेस की तरफ हम शिफ्ट हो जाएं उसकी बजाय आप क्या करना चाहिए साइड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जैसे कि ऑनलाइन शिपिंग बिजनेस आज सबको पता है कि आजकल लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल एज़ विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं सो आई सजेस्ट डैट थ्रू स्पेशली कई आज मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम ये बिज़नेस भी रन कर रहे हैं लाइक like एक फेमस एप्लीकेशन है डेट इज़ मीशो After a few days later, he thanked me for his advice. This advice, and as 10 to 15,000 Indian rupees in a month, he start earning. कहते कुछ दिनों के बाद उसने मुझे स्पेशल कॉल की ये थैंक यू करने के लिए कि जो मैंने उसको एडवाइस दी थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही है और उसको हर मंथ की जो इनकम है वो अराउंड टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड होने लगी है वेरी गुड देन फार्चुनेटली मींस लकीली आई फील एक्सट्रीमली ग्लैड या हम डिलइटेड भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्यों खुशी हुई एज वर्क्स जो मेरी एडवाइस थी माई एडवाइस वर्कस इन अ पॉजिटिव वे फॉर हिम जो मैंने उसको सजेशन दी जो उसको एडवाइस दी वो उसके लिए सही रही थैंक यू फ्रेंड्स